आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। भारतीय जनता सिने एंड टीवी कामगार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह ने कहा, सुशांत के हत्यारों की फिल्म बिहार की धरती पर चलने नहीं देंगे। कैमूर में पैक्स अध्यक्ष की भाई की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिहार की नई औद्योगिक नीति में लकड़ी आधारित उद्योग को किया गया शामिल, अब किसानों को मिलेगा बाजार। मोकामा में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने किसानों और कामगारों को किया प्रोत्साहित। सूचना जनसंपर्क मंत्री ने लगाया आरोप, कहा गरीबों की पार्टी बताकर गरीबों का मखौल उड़ा रहा है राजद। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, डीजल के बढ़ते दाम को लेकर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला ठेला जुलूस। जेडीयू विधायक के बेटे की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 100 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था गाड़ी। सुशांत के परिवार का बड़ा ऐलान, पटना में बनेगा सुशांत सिंह राजपूत का स्मारक। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा बिहार के लाल, सुशांत को दीजिए सच्ची श्रद्धांजलि। पटना जंक्शन और गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में फैसला जल्द, अंतिम बहस की तय हुई तारीख। सरकार का बड़ा फैसला, व्यावसायिक पैसेंजर और मालवाहक वाहन मालिकों को भारी राहत, टैक्स भरने में 40% तक की भारी छूट। बिहार बोर्ड में 34 पदों पर होगी बहाली, 6 जुलाई को होगा वॉक इन इंटरव्यू। भागलपुर में कार्रवाई के साथ हथियार तस्कर प्रदीप रविदास को ग्रामीणों ने दबोचा, किया पुलिस के हवाले। विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सिर उठाने की फिराक में है समाज विरोधी ताकतें। बिहार में हेलमेट, सीट बेल्ट और प्रेशर हॉर्न को लेकर चला विशेष जांच अभियान, वसूला गया 15,50,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड की हर जमीन का होगा यूनिक आईडी नंबर, केंद्र ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सीएम सोरेन ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। बिहार में एक एसआई को मिला अतिरिक्त प्रभार, सरकार ने जारी की अधिसूचना। एडवांटेज डायलॉग में एसबीआई पटना सर्कल के सीजीएम महेश गोयल होंगे शामिल, मीडिया एक्सपर्ट नगर शहर करेंगी बातचीत। झारखंड के साहिबगंज में छापेमारी के दौरान अपराधियों ने एसआई को मारी गोली, थानेदार को पिस्टल के बट से मारा। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।